हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ कॉमर्स मेनिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर और उनके चार साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। ये चार प्रिंसिपल बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और जब ये केस स्टडी में आते हैं तो अच्छे चौके तोते उड़ जाते हैं। तो आज हम इस पूरी वीडियो में इन्हीं चार प्रिंसिपल्स को कवर करने वाले हैं और समझने वाले हैं इन प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस और इन प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप ऑफ अ मैनेजर। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने अपने इस प्रिंसिपल में यह कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना, रूल ऑफ थंब का मतलब है मैनेजर की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। दैट मींस कि मैनेजर विल नॉट डिसाइड एनीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंट्यूशन। वो अपनी मर्जी, अपने इंट्यूशन और अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ भी डिसाइड नहीं करेगा। देयर मस्ट बी अ साइंस, और यहां पर साइंस का मतलब है साइंटिफिक इंक्वायरी। एज वी ऑल नो दैट कि बाय प्रोफेशन, बाय ऑक्यूपेशन फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर वॉज अ साइंटिस्ट। तो उन्होंने अपने इस साइंटिफिक स्टडी को उन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटी हो वो मैनेजर के इंट्यूशन, उसके एक्सपीरियंस और उसके विल पर नहीं होगी। फिर वो चाहे कोई भी मेथड ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे वर्कर्स के काम करने का तरीका क्यों ना हो, फिर वो चाहे कोई टाइम डिसाइड करने की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली हर एक्टिविटी को साइंटिफिकली जज, साइंटिफिकली टेस्ट किया जाएगा। और साइंटिफिकली टेस्ट करने के बाद ही हम कोई मेथड, कोई स्टेप या किसी भी वर्कर्स को कोई टारगेट देंगे। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि रूल ऑफ थंब शुड बी अवॉइडेड एंड देयर मस्ट बी साइंस। दैट मींस देयर मस्ट बी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी टू बी परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर का वो प्रिंसिपल है जिसने मैनेजमेंट के ट्रेडिशनल अप्रोचेस, मैनेजमेंट के ओल्ड अप्रोचेस जैसे हिट एंड मिथ मेथड, ट्रायल एंड एरर अप्रोच, इनको डिस्कार्ड किया। तो आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, दैट डिस्कार्ड्स द ट्रेडिशनल अप्रोचेस ऑफ हिट एंड मिस मैथड, ट्रायल एंड एरर मैथड। तो वो प्रिंसिपल भैया है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देयर मस्ट बी साइंटिफिक स्टडी, नॉट रूल ऑफ थंब। दैट मींस डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देन हमारा सेकेंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप जानते हैं डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मिस एग्रीमेंट। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है जब हमारे आपस में ट्यूनिंग ना बने, यानी जब हमारे इंटरेस्ट एक ही डायरेक्शन में ना हो, दैट इज द सिचुएशन ऑफ डिस्कॉर्ड। यानी इश्यूज जब आ जाते हैं तो उस कंडीशन को डिस्कॉर्ड बोला जाता है। हार्मनी, हार्मनी का एक सिनोनिम है अकॉर्ड, और अकॉर्ड का अपोजिट है डिस्कॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब है दैट मींस दे शुड वर्क इन हार्मनी, दैट मींस दे शुड वर्क विद एन अंडरस्टैंडिंग। साथ मिलकर, सामंजस्य के साथ अगर हम काम करते हैं तो उसको अकॉर्ड बोला जाता है। अब बात आती है कि फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने अपने हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और यू कैन से दैट अकॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल के थ्रू क्या कन्वे करना चाहा। फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर ने अपने इस हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर मैनेजमेंट और वर्कर के इंटरेस्ट आपस में नहीं मिलते। दैट मीन्स दे हैविंग अ डिफरेंट इंटरेस्ट, यानी उनके जो डिफरेंट इंटरेस्ट हैं, उनके जो इंटरेस्ट हैं वो रिकनसाइल नहीं होते। और यहां पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है जहां पर मैनेजमेंट एंड वर्कर दे स्टार्ट सीइंग ईच अदर एज अ राइवल, ये जानी दुश्मन बन जाते हैं। मैनेजमेंट को लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के, और वर्कर्स को लगता है कि हम जितना करें तुमको तो कम लगेगा। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स के जो इंटरेस्ट रिकनसाइल नहीं होते, और यहां पर जो एक दूसरे को राइवल की तरह देख रहे हैं, दैट मीन्स दे हैविंग परसेप्शन, दे आर हैविंग अ सिनेरियो कि सामने वाला बंदा हमारा दुश्मन है। तो ऐसी आइडियोलॉजी,
ऐसा परसेप्शन टेलर का मानना था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, एक अच्छा सिग्नेचर नहीं है, एक अच्छी बात नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट के वहां के मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में इश्यूज हों, लेकिन यहां पर इश्यूज हो रहे थे। तो यहां पर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने एक टेक्निक दी, जिस टेक्निक का नाम उन्होंने दिया मेंटल रिवॉल्यूशन। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक का यूज करें। अब आपके दिमाग में घंटी बज रही होगी कि सर मेंटल रिवॉल्यूशन कौन सी चिड़िया आपने स्प्रेड में डाल दी। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब था कि ये जो एटीट्यूड मैनेजमेंट का वर्कर्स की तरफ जो बनता है और वर्कर्स का जो एटीट्यूड मैनेजमेंट की तरफ है, उस एटीट्यूड को पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज होना चाहिए। दैट्स व्हाट मेंटल रिवॉल्यूशन इज ऑल अबाउट। मेंटल रिवॉल्यूशन रिफर्स टू कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। टेलर ने यह भी कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस प्रिंसिपल के बारे में, तो मेरी हर बात को प्लीज ध्यान से सुनना, और अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो रिवाइज जाके फिर से समझने की कोशिश करना कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि यही सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको केस स्टडी में आपको हिंट देती हैं और आप उस केस को क्रैक करके आंसर तक पहुंचते हो। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू टेलर ने कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, नन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन सर्वाइव एंड द एम्प्लॉयर कैन नॉट बी प्रॉस्पर विदाउट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। एग्जैक्टली आपको ये सेम लाइन मिल सकती है कि कोई भी एम्प्लॉयर की प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी का मतलब ग्रोथ, कोई भी एम्प्लॉयर प्रॉस्पर यानी फ्लरिश नहीं कर सकता अगर उसके एम्प्लॉय फ्लरिश ना करें। तो इस प्रिंसिपल के थ्रू फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने कन्वे करने की कोशिश की है कि मैनेजमेंट एंड वर्कर दे मस्ट वर्क विद हार्मनी, देयर इंटरेस्ट मस्ट बी रिकंसाइल्ड। एंड टेलर ऑल्सो सेड दैट के एम्प्लॉयर, द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना भला करना चाहती है तो ऑर्गेनाइजेशन का भला बिना एम्प्लॉयर्स के भले के बाद हो ही नहीं सकता, बिना हमारे एम्प्लॉय के भले के बिना नहीं हो सकता। तो प्रोस्पेरिटी किसी भी एम्प्लॉयर की बिना अपने एम्प्लॉय के प्रोस्पेरिटी के पॉसिबल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हार्मनी और डिस्कॉर्ड में टेलर ने यह कहा कि मैनेजमेंट मस्ट शेयर प्रॉफिट विद दी वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। ये भी कहा कि मैनेजमेंट उनके साथ अकॉर्ड कैसे बनाए, कैसे इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने। तो टेलर ने यह कहा कि मैनेजमेंट जो कैपिटल गेन्स हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, उसका एक पार्ट अपने वर्कर्स यानी अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करें। इन दिस वे बाय डूइंग सो मैनेजमेंट विल बी एबल टू मेक अकॉर्ड विद दी एम्प्लॉय। तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल इज ऑल अबाउट वर्किंग इन हार्मनी, एंड इफ यू आर हैविंग अ एटीट्यूड चेंज देन उन्होंने एक टेक्निक दी जिसका नाम था मेंटल रिवॉल्यूशन। और यह भी कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी बिना एम्प्लॉय की प्रोस्पेरिटी के पॉसिबल नहीं है, और इनके साथ ट्यूनिंग बनाने के लिए मैनेजमेंट को कैपिटल गेन्स शेयर करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में कुछ आपको बातें याद रखनी पड़ेंगी। आपको 5 to 6 बातें मैंने इस पूरे टॉपिक को, इस कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट को, मैंने सिर्फ कुछ चंद बातों में मैंने इसको तोड़ा है। बस आप वो बात बहुत ध्यान से समझिए कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म क्या है। सबसे पहला, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है। यानी कोऑपरेशन में काम तभी होगा ना जब पहले नजरिया चेंज होगा। यानी अगर किसी को दोस्त बनाना है ना, तो पहले उसके साथ जो इश्यूज है ना, पहले वो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कोऑपरेशन किसके बीच में बात हो रही है, मैनेजमेंट और वर्कर। तो मैनेजमेंट और वर्कर कोऑपरेट तभी तो करेंगे जब पहले उनका जो एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ है वो बदले। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल का एक्सटेंशन। चलो दूसरी बात, कोऑपरेशन के लिए टेलर ने क्या कहा, व्हाट टेलर हैज सेड अबाउट कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ही सेज दैट कि मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट वर्क इन अ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, नॉट इंडिविजुअली, कि साथ साथ मिलकर काम करो अकेले नहीं। तो पहली बात कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। दूसरी बात कि कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, टेलर सेड दैट कि मैनेजमेंट मस्ट वेलकम द कंस्ट्रक्टिव सजेशन। ये वर्ड समझना बहुत ध्यान से, कि मैनेजमेंट को कंस्ट्रक्टिव मींस प्रोडक्टिव सजेशन को वेलकम करना चाहिए एम्प्लॉइज को, और अगर वो सजेशन अच्छे हैं तो उनको एप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने टेलर ने सिर्फ एम्प्लॉय से नहीं कहा कि आप सिर्फ कंस्ट्रक्टिव सजेशन को वेलकम करो, एट द सेम टाइम
कोऑपरेशन के लिए टेलर ने एम्प्लॉयज से ये कहा कि यू आर नॉट सपोज टू गो ऑन स्ट्राइक, कि आप बेबुनियादी और बेजरूरत की आप जरूरतों को मैनेजमेंट के सामने नहीं रखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल समटाइम फॉर द मैनेजमेंट टू फुलफिल। आप ऐसी जरूरतें अपनी ऐसी नीड को पुट फॉरवर्ड नहीं करेंगे जो मैनेजमेंट के लिए पूरी करना मुश्किल हो जाए। पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट की बात कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के थ्रू की गई, कि अगर मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है तो पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करें। पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको एक मार्क में मिल सकता है कि डिफाइन पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये वो प्रैक्टिस है जो जापान में की जाती है, कि जापान में यार क्या होता है कि जब भी अगर एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम होती है तो बजाय वो आंदोलन करने के, बजाय स्ट्राइक करने के, प्रोटेस्ट करने के, दे यूज टू टाई अ ब्लैक रिबन ओवर द शोल्डर। आपने देखा वो काली पट्टी बांधना, आज काली पट्टी बांधना एक फैशन बन गया है। काली पट्टी बांधना एक साइन है प्रोटेस्ट का, अगर हमें किसी भी चीज से, किसी भी गवर्नमेंट से या भी कोई भी चीज से हम हताहत है या हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम कैसे विरोध करते हैं, साइलेंट विरोध करते हैं हम हाथ पर अपने कंधे पर ब्लैक रिबन बांधकर। ये पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है जहां पर वर्कर अपना डिससेटिस्फेक्शन कैसे दिखाते हैं, बाय टाइंग अ रिबन ओवर देयर शोल्डर। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात टेलर ने कही। टेलर ने कहा कि कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क का इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ये लाइन बहुत ध्यान से याद रखेगा, बिकॉज दीज लाइन्स कैन हेल्प यू इन सॉल्विंग योर केस एंड गेटिंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कि क्या कहा उन्होंने कि जरूरी है कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो डिवीजन है वो इक्वल होना चाहिए। और लास्ट बात जो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट वॉक साइड बाय साइड, कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट और वर्कर को साथ साथ चलना पड़ेगा। तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हाउ आई नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। मैनेजमेंट के लिए कंस्ट्रक्टिव सजेशन को वेलकम करने के लिए टेलर ने कहा, एंड एट द सेम टाइम टेलर परहैप्स टेलर स्टॉप टेलर वॉन्ट्स और एडमोनिश द एम्प्लॉय टू नॉट टू गो ऑन अनयूजुअल स्ट्राइक। इसमें टेलर ने यह कहा कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इक्वल डिवीजन होना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और सबसे लास्ट बात जिन्होंने कही कि मैनेजमेंट एंड वर्कर मस्ट वॉक साइड बाय साइड, साथ साथ चले, इट इज ऑल अबाउट कोऑपरेशन। और एक हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस प्रिंसिपल के थ्रू टेलर कमांड्स टू कन्वे दैट कॉम्पिटिशन मस्ट बी रिप्लेस विद कोऑपरेशन। आपके सामने अगर ये कभी भी वन मार्क के क्वेश्चन में या फिर आपके सामने ये 4 to 5 or 6 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर ये केस में अगर आ जाता है कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ टेलर दैट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसिंग कॉम्पिटिशन विद कोऑपरेशन, देन द आंसर इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। और लास्ट हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एफिशियंसी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एफिशियंसी में टेलर ने क्या कन्वे किया, द मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि टेलर का ऑब्जेक्टिव वर्कर्स और शॉप फ्लोर लेवल यानी लो लेवल के वर्कर्स की, लो लेवल के मैनेजर की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना था। यहां पर टेलर क्या करना चाहते थे, वर्कर की एफिशिएंसी का डेवलपमेंट। लेकिन टेलर ने क्या कहा, टेलर सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स एफिशिएंसी इज नॉट अ वन नाइट प्रोसेस, कि ये कोई एक रात का प्रोसेस नहीं है। टेलर सेड दैट कि सबसे पहले साइंटिफिक सिलेक्शन होना चाहिए, ही सेड दैट कि फर्स्ट साइंटिफिक सिलेक्शन शुड बी डन, कि साइंटिफिकली आप सेलेक्ट करो, आफ्टर साइंटिफिकली सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज यू आर सपोज टू असाइन हिम द वर्क इन विच ही इज स्पेशलाइज्ड। टेलर ने कहा कि सबसे पहले उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करो, फिर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सिलेक्शन के बाद उनको वो वर्क असाइन करो इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड। And he also said that कि in order to upgrade their knowledge, उन्होंने training देने की बात की। कि efficiency का development कैसे होगा, efficiency के development के लिए Taylor said that कि organization must send their employee time to time on training। और उन्होंने ये कहा कि time to time उन पर training पर भेजो, क्योंकि अगर एक organization अपने employees को training पर भेजती है तो it is not only beneficial for the employees, it is beneficial for the organization। तो इस तरीके से Taylor ने workers की efficiency के development बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनका साइंटिफिक सिलेक्शन करो, देन असाइन देम द वर्क इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड, और टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मस्ट बी गिवन इन ऑर्डर टू अपग्रेड देयर नॉलेज। बिकॉज ट्रेनिंग पर भेजना सिर्फ उनके लिए फायदेमंद नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फायदेमंद है। तो आज का था ये हमारा टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम बात करेंगे टेलर की टेक्निक के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर, सस्ते गाल के रोहाले।